Hello everyone, welcome to my vlog. In this video I'm going to tell you how to change Duryog to Suyog, Raksha Bandhan ka Bhadra Yog, उसे सुयोग में कैसे बदलें। एक बहुत छोटा सा उपाय है जिससे हम भद्रा को बदल सकते हैं। देखिए कैसे। भद्रा और सुभद्रा दोनों बहनें हैं और रक्षाबंधन वाले दिन यदि भद्रा योग पढ़ रहा हो तो राखी नहीं बांध सकते, ऐसा प्रचलित है। तो अपने आप को मत उलझाइए। जिनका कुछ पता नहीं उन शास्त्रों को, पंचांगों को रहने दीजिए। आपको रहस्य बता देती हूँ कैसे आप इसे बदल सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए। जब भी भद्रा का परिहार करना हो तब पहले धागा कृष्ण जी के पास रख दें, और तो शनि की बहन भद्रा सुभद्रा में बदल जाती है उसी वक्त। यही भद्रा का मूल उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी भद्रा पड़ रहा हो और उसका परिहार करना हो तो पहले धागा कृष्ण जी के पास रख दें। तो शनि की बहन हैंगी भद्रा, वो सुभद्रा में बदल जाती हैं और दुर्योग बदल जाता है सुयोग में। आप उस भद्रा काल में भी राखी बांध सकते हैं। पहले कृष्ण को राखी चढ़ाएं, राखी बांधें, उसके बाद अपने भाई को तिलक राखी कर सकते हैं। तो उसको ज़्यादा मन में विचार न लाएं, भद्रा को आप सुभद्रा में बदल दें, छोटा सा महा उपाय करके। आप और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सबका भला हो। कई लोग इसको मन में ग्रंथि पाल बैठते हैं, उनका उसका निराकरण हो जाए, उनकी मदद करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। इफ़ यू लाइक माय व्लॉग डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर कमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर दोहरा देती हूँ, आपको करना क्या है। भद्रा काल जब भी पड़ रहा हो रक्षाबंधन पर तो राखी नहीं बांधी जाती, ऐसी ग्रंथि पाल बैठते हैं लोग। तो आपको करना क्या है, सिर्फ छोटा सा एक महा उपाय करना है। पहले राखी कृष्ण जी को बांध देनी है, इससे शनि की बहन भद्रा सुभद्रा में बदल जाती हैं। उसके बाद अपने भाई को तिलक और राखी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, आप कीजिए और अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन उसी समय पे भद्रा काल में भी तिलक कर सकते हैं, राखी बांध सकते हैं, लेकिन पहले कृष्ण को बांध दें, इससे भद्रा का परिहार हो जाता है। तो आशा है ये आप उपाय काम में लाएंगे और आपको मदद करेगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों के पास ये पहुँचे, और सभी जो इस तरह की ग्रंथि पाल बैठते हैं उनके भी विचारों का निराकरण हो, तो उनकी भी मदद हो जाएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी इस उपाय का फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल।